सभी भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को एक से काफ़ी शानदार मुर्रा पशुधन दिखाते आ रहे हैं जी, और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की जो हमारी कवरेज है जी, मैं बताना चाहूँगा काफ़ी जाना माना जो कि चेहरा है जी, और बताना चाहूँगा जी जो हमारे पशुपालक भाई हैं जी, जो भाई की वीडियो को काफ़ी ज़्यादा जो कि पसंद करते हैं, भाई की वीडियो का जो कि वेट करते हैं। तो आज की वीडियो में आपके समक्ष लेके आ रहे हैं जी, जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है जी, आजकल हमें जो देखने को मिल रही है जी, मुर्रा हीफर। और हम जी बात करेंगे जी चेक पास बाकड़ी भैंस है जी, वो भी आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो लेके आ रहे हैं जी, बताना चाहूँगा जिया डेयरी फार्म से, और काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी की जो कि मुर्रा हीफर आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी जी। और सबसे पहले आप लोगों को एड्रेस है वो बता देना चाहूँगा जी, क्योंकि हमारे पशुपालक भाई हैं जी, जो हमारे चैनल से शुरुआत से जो जुड़े हुए हैं, वो भाई को जानते भी हैं, लेकिन जो नए जो व्यूवर जुड़े हैं उनसे जो कि एड्रेस है ज़रूर आप लोगों को बताना चाहिए जी। भाई का जो गांव है जी वो अहमदपुर पड़तल ज़िला लगता है जी, इनका रेवाड़ी और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो मिलवाना चाहिए डॉक्टर मोनू, जैसे कि आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जी, काफ़ी युवा पशुपालक है और काफ़ी कम समय में जो कि काफ़ी अच्छा जो कि नाम है वो भाई साहब ने अपने जो कि डेयरी फार्म से कमाया है जी। तो आगे की जो जानकारी है डॉक्टर मोनू से लेंगे, तो मिलवाना चाहेंगे डॉक्टर मोनू से। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते साहिल साहब, से पहले आपका धन्यवाद करते हैं डेयरी फार्म में भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी भाइयों को जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, तो कैसे हो भाई साहब? भाई साहब बढ़िया साहिल, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो पिछली वीडियो का पशुधन सेल हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो आज कैसा कैसा रहेगा पशुधन? आज एक बाकड़ी छोटी है, ठीक है, दो कटिया है, एक छोटी है, तीन की फेर है। ठीक है जी, तो शुरुआत कर लेते हैं जो पहले नंबर पे जो हीफर खड़ी है, क्या कुछ डिटेल्स है? साइड डिटेल तो है जो बताएंगे भाई, फिर कमेंट करेंगे। ठीक है, हमारी सिकल से हमारे से कोई मतलब नहीं। हाँ जी, हमारे पशुओं को देखो। बिल्कुल जी, ठीक है, मैं किसी भाई से गलत नहीं बोलूंगा, नहीं मेरे बोलने का था, मैं फिर भी माफी मांगता हूँ। हाँ, नहीं बोलूंगा अपने मुँह से। अच्छा जी, सिकल सकल के बारे में कमेंट करते हैं। हाँ, अरे आपसे मुझे कहनी पड़ेगी। हाँ, मेरा रिश्ता होना बाकी नहीं रह रहा, रिश्ता करेगा। मेरे दो बच्चे हैं, कोई बात नहीं भाई साहब। उसके कोई कहता है ना, उसके 100 गुना से अच्छा हूँ और 100 गुना से पशु अच्छा लेता हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, तो ये थोड़ी छोटी बात मत कह, कोई नहीं भाई साहब। देखिए जी, ये 23-24 महीने की कटिया है। ठीक है जी, 23 से 24 महीने की। हाँ जी, ठीक है। पापा ने कोई भैंस बेची थी, उस भैंस तले गई थी ये कटिया। अच्छा जी, अपने हाथ की आई करोड़ी थी। ठीक है, और अब ये प्रेग्नेंट हो गई है, 10 दिन की। 10 दिन की प्रेग्नेंट है। हाँ जी, 17 प्रूफ विद गैल है। अच्छा, बजरंग जो ले जुआना है ना। हाँ जी, बजरंग ले जुआना। हाँ जी, हाँ जी, आई करोड़ देखो, अपन तो आई करोड़ नहीं। हाँ जी, 17 दी है धने को। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। और ये अर्जुन कुंगड़ी खुद है, अर्जुन कुंगड़ी की खुद है। भाई ले जाके कटिया को वो भी भाई फैल कर दे तो कटिया फ्री छोड़ देंगे। ठीक है जी, तो देखिए जी, 23 महीने की जो कि इसकी उम्र है जी, और अभी जो इसकी कदकाठी है जी वो आप देख सकते हैं, जो सुंदरता है वो आप देख सकते हैं, कटिंग है जो इसकी हो रखी है, और बात करेंगे जी जो फेस है जी वो देख सकते हैं जी, और अर्जुन कुंगड़ की जो कि खुद से है, और बात करेंगे जी इसकी जो सींगों की जो क्वालिटी है जी, बिल्कुल छोटे सींग की जी ये देख सकते हैं, जो जो इसके जो हेड की जो क्वालिटी है, और बात करेंगे जी जो सुंदरता है जी, काफ़ी अच्छी जो है वो हमें देखने को मिली है जी। और एक बार आप लोगों को जो कि पीछे से भी जो कि हीफर को कवर करके ज़रूर दिखाना चाहेंगे जी, साइज़ की काफ़ी अच्छी है, डॉक्टर मोनू की हाइट से आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और पीछे से जो पीठ पुट्ठा है वो आप इसका देख पा रहे हैं जी, और थोड़ा सा जो कि सर्दी का टाइम है इस कारण से जो कि कटिंग भी हो रखी है, थोड़ा सा पशुधन जो कि सर्दी के कारण से थोड़ा सा जो कि कम दिखता है, अगर गाम वगैरह लगता है तो पशुधन बिल्कुल खुला हुआ होता है। तो एक बार खोल के चला के दिखा दीजिए, व्यक्तित्व है जी पशुपालक भाइयों से ज़रूर कवर करके दिखा देना चाहेंगे जी। और स्वभाव की बात करें हम जी, स्वभाव है वो आप देख सकते हैं जी, और गर्दन की जो लंबाई है जी कटड़ी की काफ़ी अच्छी जो है वो हमें देखने को मिली है, और टैल लगभग 1.5 इंच के लमसम जो कि टैल है वो वाइट है, और बाकी आप पशुधन को देख सकते हैं अपने नज़रिए से भी। ग्राउंड लेवल पे आप आके अगर हीफर को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको वीडियो से बेहतर ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। साइज़ आप ये देख सकते हैं, फेस वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, और मदर साइड मिल्क रिकॉर्ड भाई सब अगर आपको पता हो। अच्छा जी, अच्छी बोलने से नहीं, कोई बात देखना चाहेंगे तो जहाँ पर बन रही है वहाँ पर बता आपको देंगे, अपने घर से तो है 100-125 किलोमीटर दूर। अच्छा अच्छा, अच्छी है। अच्छा जी, हाँ ठीक है,
सेल परचेज करके दी थी, ऑनलाइन भैंस बेची थी। अच्छा जी, साढ़े 21 किलो दूध 3 टाइम काटा करके दी थी। अच्छा जी, साढ़े 21 किलो दूध की, जो कि जो दूध की जो हीफर है, आज इसकी माप का 1.5 महीना ब्याने का रह गया, आज अपने 2 लाख रुपए लगा दी, धनी को मना कर दिया। अच्छा जी, ठीक है। और एक बार नीचे से भी जो कि आपको कवर करके दिखा देना चाहेंगे जी, ये देख सकते हैं जी, काफी मजबूत पास्टे की है। और अभी जो नीचे से जो इसकी जो थनों की जो मजबूती है वो आप देख सकते हैं, काफी साफ सुथरी है जो है वो हमें देखने को मिली है। तो रेट वगैरह 2 दिन बोली थी, जब तक अगले नहीं आई कि नूनी है, डिस्चार्ज में करा दी, खुल के हिट में आई थी। अच्छा जी, 2 दिन ही आई कराई है, ठीक है। और अच्छी कटिया नु बोन ले, साइल सभी बेच देते हैं। हाँ हाँ। मार्केट में माल नहीं रहा भाई। तो रेट वगैरह भाई सर, रेट मौके करेंगे, रेट मौके पे करेंगे, अपना रेट मौके का रहता है एकदम, ठीक है जी। रेट है जी इसका मौके पे करना चाहेंगे जी। देखिए जी, हमारा फर्ज है जी पूछने का और बताने का, जो कि भाई साहब का काम है। और आगे जो इधर ये जो दूसरे नंबर पे है, इसकी भी जो कि जानकारी है वो डॉक्टर मोनू से लेना चाहेंगे जी। देखिए जी, काफ़ी मेहनती पशुपालक है जी, फील्ड में से जो कि फील्ड में जाते हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, अच्छे पशुधन का जो कि भाई साहब जो कि जो सिलेक्शन है वो करके लेके आते हैं। तो इसकी क्या कुछ डिटेल्स है भाई साहब? 18 महीने की एज है। 18 महीने की एज है, ठीक है, ठीक है। कोई भाई है तो देखो, दांत देखने की चीज होती है, सभी दांतों से पता चल जाता है। हाँ जी, ठीक है। आज कटिया पहली हिट पे आई है, ठीक है, डिस्चार्ज डालने लग रही है। अच्छा जी, हाँ जी, अभी मौके पे हिट पे है। आज मौके हिट पे है, ठीक है, ठीक है। अभी से यही करेंगे नहीं, ठीक है जी, क्यों थोड़ी उम्र कच्ची है। हाँ जी, और सेकंड टाइम में इसकी माने दूध दिया था 17.5 किलो, ठीक है जी। हाँ जी, ओके। तो मैं देखो, मेरे 17 पक्का ध्यान नहीं है। हाँ जी, धनी ने बताया था कोई नूर की है या M29 की है। हाँ हाँ। ये मैं शाम को क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है जी। शायद तो 100% को M29 मिलेगी, अपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से ले रखी है। अच्छा जी, ठीक है। अपने साथी ने आई करी थी। अच्छा जी, तो अंकल जी था वो बोला जी लड़के को पता है, इन दोनों में से कौन सी है, ठीक है जी। तो एक बार नीचे से पहले पटड़ी को दिखा देना चाहेंगे जी। और ये देख सकते हैं जी, 18 महीने की एज है जी हीफर की। और नीचे से जो गद्दी है वो आज अभी आप देख पा रहे हैं, नीचे से जो इसके थन वगैरह हैं वो भी आप लोगों को कवर करके दिखाना चाहेंगे जी। ये देख सकते हैं, डट के रखो भाई, ये देख सकते हैं जी, काफ़ी मजबूत जो कि थन पासे हैं वो हमें इस हीफर के जो नीचे से जो देखने को मिले हैं। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें, फेस है जी बिल्कुल छोटे सींग की है, खोल के ले आओ, जिसका व्यक्तित्व है पशुपालक भैया से जरूर कवर करके दिखाना चाहेंगे जी। ये देख सकते हैं जी, आजकल जो कि 5 स्टार 7 स्टार जो कि पशुधन को जो कि बताने लगे हैं जी। और आप खुद से भी बता सकते हैं जी कौन से स्टार की है जी। और थोड़ा सा जो कि नहलाया है, तो इस कारण से जो कि सर्दी के टाइम से जो कि इसने थोड़ा सा जो कि रूम है वो ज़रूर पड़ रखा है, बाकी क्वालिटी वाइज है वो आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे पशुधन का पता लगता है कि पशुधन का क्या कुछ साइज है, ये देख सकते, इधर लेके चलो भाई लंबा, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं जी, साइज है काफ़ी अच्छा है जी। और जैसा पशुधन होता है वैसा ही वीडियो में जो कि कवर करने के जो कि हमारा जो प्रयास है जी रहता है, और ना ही किसी पशुधन को जो कि बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाते हैं जी। बाकी ग्राउंड लेवल पे आके देखोगे तो मैं खुद से भी आप लोगों को कहना चाहूँगा जी, वीडियो से आपको कहीं ना कहीं ये पशुधन है जी आपको बेहतर ही देखने को मिलेगा। तो 17.5 किलो के जो लमसम है, इसकी मदर का जो कि मिल्क है वो रहा है जी। और रेट वगैरह है वो इसका मौके पे करोगे, ठीक है। तो इधर भाई साहब ये आइए डेयरी में से, ठीक है जी, रेवाड़ी से ले रखी है, ठीक है, ठीक है। सेकंड टाइम में बच्चा देगी, सेकंड टाइम में बच्चा देगी, थोड़ी देर की निश्चित इसलिए है, डॉक्टर का 4 दिन हो गए चारा नहीं खा रही। अच्छा जी, आज खाया है। अच्छा जी, ठीक है। और इसे फर्स्ट टाइम में दूध दिया था 14 किलो, 14 किलो दूध फर्स्ट लैक्टेशन में। सातवें में गैप बेन है, तो चेक पास है सातवें में, अपनी कोई भाई डॉक्टर आए चेक करके ले जाए, नीचे से हमारी गारंटी रहेगी, ठीक है जी। तो इसको भी एक बार खोल के चला के दिखा दीजिए, एंड ड्राई हो चुकी है अभी। ड्राई हो चुकी है जी, सातवें में कंप्लीट है जी, गैबिन है। और लगभग आज के डेट में 5वें महीने में 6वें 7वें महीने की जो प्रेग्नेंट जो भैंसे हैं वो हमारे पशुपालक भाई डिमांड है वो कर रहे हैं जी कहीं ना कहीं, क्योंकि आगे जैसे गर्मी का जो सीज़न आएगा जी, उस टाइम में जो कि ताज़ा व्यय हुई भैंसे जी काफ़ी कम देखने को मिलती है। और ये पशुधन जब कविंग करेगा तो उस टाइम पे जो जब दूध वाली जो भैंसे हैं जी काफ़ी कम देखने को मिलती है। और फर्स्ट लैक्टेशन में जो कि 14 किलो जो दूध है वो इसने दिया हुआ है, सींगों की जो इसकी क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं, छोटे सींग की है,
पीठ पुट्ठा आप देख सकते हैं, नीचे से जो इसकी अडर की जो गुलजटे हैं वो आप देख पा रहे हैं जी, ये देख सकते हैं। बाकी पशुधन है जी, स्वभाव वाइज आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल ठंडे स्वभाव का जो पशुधन है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जी। और 7 महीने की जो कि चेक पास गाभिन है वो आप देख पा रहे हैं जी स्क्रीन पर। आगे से दिखाना चाहेंगे जी, थनों वगैरह की आपकी गारंटी है, बाकी नीचे से आप ये देख सकते हैं। और डॉक्टर को साथ में लेकर के आए चेक करवा के, तभी आप पशुधन को ले जा सकते हैं। तो और भाई सब पशुधन छोटी कटड़ी है, ठीक है, मजाक करोगे, हंसे करोगे। हाँ हाँ, ये फिर ससुराल से आई। अच्छा, ससुराल से ले आई, कल भैंस गाल ली थी ताजा। अच्छा, पिछले बार आपा ने इसकी मकान में से लेके गाल ली थी। अच्छा जी, ठीक है, कल भैंस गई थी तो वहाँ पर जगह नहीं थी। अच्छा जी, तो कितनी एज हो चुकी है इसकी? इसके 11 महीने उम्र है। 11 महीने की एज है, ठीक है, 11 महीने की एज है जी कटड़ी ने। अभी जो सींग है राउंड करने अभी ही जो कि शुरुआत हो किए हैं। और छोटी कटड़ी की जो हमारे पशुपालक भाई हैं जी, काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड करते हैं, तो उन पशुपालक भाइयों के लिए अच्छी फोन आते हैं भाई। पीठ पुट्ठा आप देख सकते हैं, और नीचे से जो इसकी जो थनों की जो क्वालिटी है वो भी आप लोगों को दिखा देना चाहेंगे जी, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। तो अभी इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड पता हो आपको? बस आई लाप यहीं से गई थी, वो फिर तो थोड़ी दुबली। अच्छा जी, काम में से लेके गाली थी, फर्स्ट टाइम 13 किलो दूध दिया था। अच्छा जी, और अब के उन्होंने वो सेल कर दी। अच्छा, 1.5 महीना ब्याने का है, अब उनको सेल कर, ठीक है जी। तो इसका तो रेट बताते होगे? इसके बता दे, बता ही दो भाई। इसका एकदम 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, ठीक है जी, 25,000 रुपए इसकी कॉस्ट रखी है जी। बाकी जो पशुधन दिखाया है जी, इनका रेट है जी भाई साहब मौके पे करना चाहेंगे जी, लाजवाब पशुधन है। और एक से काफ़ी बढ़ चढ़ के जो कि हर वीडियो में पशुधन है वो हमें बाइकें यहाँ से देखने को मिलता है जी। तो कोई भी पशुपालक भाई किसी भी प्रकार की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप डॉक्टर मोनोज से जो कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी, रेगुलर रूटीन से स्क्रीन पे नंबर है जी। फिर मिलेंगे जी किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के बाइक के पास, तब तक सभी भाइयों को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।